and welcome to SPM IAS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 24th September 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of August 2020 magazine from our website spmiasacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. And the first article is taken from international segment. It is about China to become carbon neutral country by 2060. And this topic is important from our syllabus paper 4 environment point of view. So, सबसे पहले इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं. तो देखो, कल भी मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशंस के 75 ईयर्स पूरे हो गए हैं और इस ओकेजन पे दुनिया के जो भी इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं दे आर अड्रेसिंग द वर्ल्ड फ्रॉम द फोरम ऑफ यूनाइटेड नेशंस. तो कल हमने टर्की की बात की थी, कैसे टर्की के प्रेसिडेंट ने कश्मीर इशू रेज किया था यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म से. आज चाइनीज प्रेसिडेंट सी जिनपिंग ने एड्रेस किया है दुनिया को फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ यूनाइटेड नेशन और उसमें उन्होंने यूएस को ब्लेम किया है फॉर बिकमिंग और बीइंग अ इररिस्पॉन्सिबल पावर. और इसके पहले एग्जैक्टली ऐसा ही काम किया था यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जब उन्होंने चाइना को ब्लेम किया था फॉर बिकमिंग एन इररिस्पॉन्सिबल पावर. तो देखो, सबसे पहले यूएस प्रेसिडेंट ने यूएन प्लेटफॉर्म से चाइना को अकाउंटेबल बनाते हुए इररिस्पॉन्सिबल बताया जब उन्होंने कहा कि इन दुनिया में जो दो मेजर प्रॉब्लम्स अभी पूरी दुनिया फेस कर रही है, दैट इज़ कोविड-19 ऑफ कोर्स एंड सेकेंड इज़ कार्बन इमिशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग. इन दोनों के पीछे सबसे बड़ा जो अकाउंटेबल कंट्री है, रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, वो है चाइना. सो चाइना इज़ अ हाईली इररिस्पॉन्सिबल कंट्री, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा फ्रॉम यूएन फोरम. और फिर उसका जवाब देते हुए सी जिनपिंग ने भी कहा कि यूएस इज़ मोर इररिस्पॉन्सिबल. यूएस ने पेरिस क्लाइमेट डील से पुल आउट कर लिया था और यूएस कार्बन इमिशन के तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि चाइना इज एक्टिंग लाइक ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री और चाइना ने तो कार्बन इमिशन को कंट्रोल करने के लिए कई सारे इफेक्टिव स्टेप्स अपनाए हैं. और इसी दरमियान, इसी दौरान सी जिनपिंग ने कहा कि चाइना ने एक और भी एम्बिशियस टारगेट बनाया है रिगार्डिंग कार्बन कंट्रोल, और वो है कि बाय 2060 चाइना विल बिकम अ कार्बन न्यूट्रल कंट्री. तो देखो, कार्बन न्यूट्रल क्या होता है वो तो हम पहले भी कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं. मैंने आपको कम से कम 2-3 बार पहले भी बताया कि द कार्बन न्यूट्रल टर्म्स मीन्स टू रिमूव एज मच कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर एज वंस पुट इनटू इट. तो जितना आप कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर में डालते हैं, इमिट करते हैं थ्रू इंडस्ट्रीज, व्हीकुलर इमिशंस, अगर आप उतने पेड़ पौधे लगा देते हैं कि उतने कार्बन डाइऑक्साइड्स को अगर आप वापस कैप्चर कर लेते हैं, सिक्वेस्टरेट कर लेते हैं, देन सच सिस्टम इज़ नोन एज ए कार्बन न्यूट्रल सिस्टम. तो सी जिनपिंग ने काफ़ी एम्बिशियस टारगेट बनाया है कि पूरा चाइना 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा. अगर अभी करेंट हालत देखें तो चाइना दुनिया का सबसे बड़ा पॉल्यूटर कंट्री है. चाइना इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉल्यूटर. पूरे दुनिया की जो भी कार्बन इमिशन होती है उसके लगभग 27.8% चाइना से आती है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे है यूएस. पूरी दुनिया की जो भी इमिशन है उसका लगभग 15.2% यूएस से आता है, और तीसरे नंबर पे है इंडिया. पूरी दुनिया में जो भी कार्बन इमिशन होती है उसका 7.3% इमिशन इंडिया से आता है. तो इन सब कारणों से, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एसोसिएटेड ग्लोबल वार्मिंग, सी लेवल राइज एंड इम्पैक्ट ऑन आवर इन्वायरमेंट, इकोलॉजिकल सिस्टम्स, दुनिया भर के कंट्रीज ने मिल करके एक इम्पॉर्टेंट डील साइन की जिसको हम जानते हैं पेरिस क्लाइमेट डील नाम से. दिस वॉज साइंड इन COP नंबर 21 ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इन 2015. पहले भी मैं कई दफ़ा आपको पढ़ा चुका हूँ अबाउट पेरिस क्लाइमेट डील एंड यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. तो मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था कि पेरिस क्लाइमेट डील की खासियत ये है कि यहाँ पे किसी भी कंट्री के ऊपर कोई बाइंडिंग टारगेट नहीं रखा गया है, कोई मैंडेटरी या कंपलसरी टारगेट नहीं रखा गया है कि आपको ये टारगेट अचीव करना है. यहाँ पे हर एक कंट्री को अलाउ किया गया है कि वो अपने तरफ से एक टारगेट अपने लिए फिक्स करे, वॉलेंटरीली अपने लिए एक टारगेट फिक्स करे, जिसको नाम दिया गया है इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, INDC. आप अपने हिसाब से टारगेट फिक्स करो रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज, कार्बन इमिशन, और उसको आप खुद अचीव करो.
तो इस तरीके से दुनिया के जो भी मेजर कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने अपने लिए एक टारगेट सेट किया है और अब उसको वो अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया ने, चाइना ने, यूएस ने, यूरोपियन यूनियन ने, सब ने अपने अपने लिए एक टारगेट फिक्स किया है। यूएस ने भी पहले पेरिस क्लाइमेट डील के लिए अपनी INDC बनाई थी, लेकिन बाद में आपको पता है व्हेन डोनाल्ड ट्रंप केम इनटू पावर ही पुल्ड आउट यूएस फ्रॉम पेरिस क्लाइमेट डील। तो अभी के लिए यूएस इज़ नॉट फॉर्मली पार्ट ऑफ पेरिस क्लाइमेट डील, लेकिन अगर आप देखें तो सारे कंट्रीज ने अपने अपने टारगेट फिक्स किए हैं। जैसे इंडिया ने, इंडिया की INDC एक बार डिटेल में ही देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने कहा है कि वो अपनी इमिशन इंटेंसिटी को 33-35% कम कर लेगा बाय 2030 फ्रॉम 2005 लेवल। ध्यान रखें, इमिशन इंटेंसिटी की बात हो रही है, ओवरऑल इमिशन की बात नहीं हो रही है। इमिशन इंटेंसिटी का मतलब इमिशन पर कैपिटा, मतलब टोटल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, उसको हम लोग कहते हैं इमिशन इंटेंसिटी। तो जो भी हमारी इमिशन इंटेंसिटी थी 2005 में, उससे लगभग 33-35% हम इमिशन इंटेंसिटी को कम कर लेंगे बाय 2030। उसके अलावा वी विल पुट एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ अबाउट 2.5-3 बिलियन टन्स ऑफ CO2। कार्बन सिंक्स होते हैं जो फॉरेस्ट होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं जिससे कार्बन को कैप्चर किया जाता है, उनको हम लोग कहते हैं कार्बन सिंक। तो सरल शब्दों में इंडिया ने कमिट किया है कि लगभग वो इतने और फॉरेस्ट लगाएगा, अफॉरेस्टेशन करेगा, जिससे 2.5-3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 एडिशनल कैप्चर किया जा सके एटमोसफेयर से। और उसके अलावा तीसरा प्रॉमिस किया है, कंट्रीब्यूशन कमिट किया है इंडिया ने अंडर INDC, वो है कि बाय 2030 इंडिया की जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो भी पावर प्रोड्यूस होती है, उसका 40% पावर विल कम फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। अब करंट न्यूज़ ये है कि देखो, चाइना ने तो एक प्रॉमिस कर रखा था कि वो 60-65% इमिशन इंटेंसिटी कम कर देगा बाय 2030। इंडिया ने तो कहा था कि वो 30-35% करेगा, लेकिन चाइना ने कहा था कि वो 60-65% इमिशन इंटेंसिटी कम कर देगा बाय 2030। लेकिन अब चाइना ने अपने इस INDC में एक एक्स्ट्रा कमिटमेंट ऐड कर दिया है। चाइना ने कहा है कि वो 2060 तक पूरी तरीके से कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा। सो इट्स अ बिग कमिटमेंट। अब देखते हैं कि इस डायरेक्शन में चाइना किस तरह से स्टेप उठाता है, इट इज़ येट टू बी सीन। अभी तक किसी भी कंट्री ने इस तरह का ह्यूज कमिटमेंट, इतनी बड़ी कंट्री ने, इस लेवल की कंट्री ने, जो इतना लेवल ह्यूज इमिशन करता है, इस तरह का कमिटमेंट अभी तक किसी ने नहीं किया है दैट इट विल बिकम अ कार्बन न्यूट्रल कंट्री। इस पूरे टॉपिक के बेसिस पे, क्लाइमेट चेंज के बेसिस पे, हमने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। दिस क्वेश्चन एक्चुअली केम इन UPSC प्रीलिम्स 2018, तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल मैं इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करूंगा, इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स भी हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट, इट इज अबाउट एंटी टैंक मिसाइल। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 4 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, न्यूज़ आर्टिकल क्या कहता है पहले वो समझते हैं। हमारे देश की जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है DRDO, इसने एक थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइड मिसाइल टेस्ट किया है फ्रॉम अर्जुन टैंक। तो अर्जुन टैंक पे रख करके हमने एक लेजर डायरेक्टेड, लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइड मिसाइल टेस्ट किया है। तो ये थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल क्या होता है, सबको जरा ध्यान से समझते हैं पहले। देखो, ये न्यूज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है हम इस आर्टिकल की मदद से समझेंगे कि ये एंटी टैंक गाइड मिसाइल्स होते क्या हैं और इंडिया के पास किस किस तरह के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं अभी तक, तो जरा समझते हैं। देखो, एंटी टैंक मिसाइल्स होते क्या हैं, जरा ध्यान से समझते हैं। देखो, नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि जो टैंकर्स होते हैं इनको डिस्ट्रॉय करने वाले मिसाइल्स को हम कहते हैं एंटी टैंक मिसाइल। इस तरह का टैंकर्स आपने देखा होगा फिल्मों में, तो कम से कम जरूर देखा होगा। वो टैंकर्स में बड़े बड़े आर्टिलरीज लगे होते हैं और उस आर्टिलरी से मिसाइल्स फायर हो सकते हैं। तो अगर कोई दुश्मन का इस तरह का टैंक है, तो उस दुश्मन के टैंक को अगर उड़ाना है, हमें डिस्ट्रॉय करना है, तो उसके लिए हम जो मिसाइल यूज करते हैं उसको हम कहते हैं एंटी टैंक मिसाइल। अभी एंटी टैंक मिसाइल अलग अलग तरीके का होता है। एंटी टैंक मिसाइल एक सोल्जर अपने कंधे पे भी रख सकता है, इसको हम कहते हैं मैन पोर्टेबल एंड सोल्डर लॉन्च्ड एंटी टैंक मिसाइल। हो सकता है कि वही सोल्जर उसको जाकर के जमीन पे रख करके फायर करे, तो दो टाइप हो गए, सोल्जर ही कार्य कर रहा है लेकिन एक जमीन पे रख करके फायर कर रहा है, दूसरा वो अपने कंधे पे रख के फायर कर रहा है, तीसरा किसी इस तरह के व्हीकल से फायर किया जाए, उसको हम लोग कहते हैं लॉन्च फ्रॉम अनदर व्हीकल, चौथा लॉन्च फ्रॉम एयरक्राफ्ट। अब देखो, ये जो कुछ भी है,
अगर सोल्जर अपने कंधों पे या अपने खुद ले जाकर के फायर कर रहा है तो उस तरह की सारी एंटी टैंक मिसाइल्स बहुत ही कम पावरफुल होते हैं, उसका कोई खास फायदा नहीं होता, क्योंकि सोल्जर को नज़दीक से जाके मारना होता है और बहुत ज़्यादा उसमें आर्टिलरी या एक्सप्लोसिव वो कैरी कर नहीं सकता क्योंकि उसको अपने कंधे पे उठाना है। तो ये वाले जो एंटी टैंक मिसाइल्स होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं। और इसके अलावा इसमें एक और रिस्क होता है, सोल्जर्स को जाकर के नज़दीक से फायर करना है तो उसमें सोल्जर के भी कैजुअलिटी का खतरा होता है, पता चला कि सोल्जर ने एंटी टैंक मिसाइल मारने के लिए गया और वो खुद ही मारा गया। सो दैट इज़ ऑलवेज ए रिस्क। सो ये जो होते हैं सोल्जर कैरिड एंटी टैंक मिसाइल्स, ये बहुत इफेक्टिव नहीं होते हैं। तो इसलिए जो दूसरा तरह का टैंक मिसाइल होता है एंटी टैंक मिसाइल, उसको हम लोग कहते हैं गाइडेड मिसाइल। ये गाइडेड मिसाइल कैसा होता है कि इसको दूर से बैठे ही कंप्यूटर से हम लोग सिमुलेट करके, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम से सिमुलेट करके हम लोग इसको किसी टैंक की तरफ गाइड कर सकते हैं। तो इसको किसी सोल्जर को कैरी करने की जरूरत नहीं है, दूर से ही हम इसको गाइड करेंगे और जा करके एनिमी के टैंक पे जाके हिट कर देगा। वैसे टैंक को हम कहते हैं गाइडेड मिसाइल। इसका गाइडेड नाम इसीलिए है क्योंकि कंप्यूटर्स के थ्रू हम लोग इसको गाइड करते हैं, तो बैठे बैठे हम इसका डायरेक्शन बदल सकते हैं। अब ये गाइडेड मिसाइल में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसको हम लोग कहते हैं हीट टेक्नोलॉजी। तो एंटी टैंक मिसाइल्स, अगर उसमें लिखा हो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इसका मतलब आप समझ लो कि उसको दूर से ही बैठे बैठे कोई गाइड कर रहा है कंप्यूटर से, उसको कंधे पे लेके आने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक टेक्नोलॉजी यूज होती है। अब देखो कैसा है कि इसमें दूर से हिट कर रहे हैं तो इसमें एक्सप्लोसिव ज़्यादा होना चाहिए, और उसके अलावा इसका जो हेड होना चाहिए वो मेटल का होना चाहिए और नुकीला होना चाहिए। वार हेड इज स्पाइक ऑफ मेटल, क्योंकि दूर से आप हिट कर रहे हैं ना तो इसको आपको ज़्यादा इफेक्टिव बनाना होगा, तो इसके लिए वार हेड में ज़्यादा एक्सप्लोसिव डालना होगा आपको और स्ट्रॉन्ग मेटल का बनाना होगा, साथ ही साथ काफ़ी स्पाइक बनाना होगा, नुकीला बनाना होगा ताकि वो इम्पैक्ट कर सके और दुश्मन के टैंक को डिस्ट्रॉय कर सके। और इसमें जो इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल में एक टेक्नोलॉजी यूज होती है उसको हम लोग कहते हैं हीट टेक्नोलॉजी, हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक। तो इसके अंदर एक्सप्लोसिव ज़्यादा मात्रा में रखना होगा क्योंकि देखो इसको आप दूर से फायर कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सोल्जर नज़दीक से जा करके हिट कर देगा। तो जब दूर से आप फायर कर रहे हैं तो उसमें आपको ज़्यादा एक्सप्लोसिव देना होगा ताकि वो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो। सो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स में हीट टेक्नोलॉजी होती है, हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक, एक्सप्लोसिव की मात्रा ज़्यादा होगी और जो हेड होगा वो मेटल का होगा और काफ़ी नुकीला होगा, स्पाइकी होगा। इसको हम लोग कहते हैं गाइडेंस सिस्टम। गाइडेंस सिस्टम भी अब अलग अलग लेवल के होते हैं। देखो पहला डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया, एक जो सोल्जर अपने कंधे पे कैरी करता है और दूसरा होता है गाइडेड। अब गाइडेड में भी अलग अलग लेवल के हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन क्या होता है, मैनुअल कमांड होता है स्टीयरिंग, कि आप बैठ गए हैं और आप उसको स्टीयरिंग से उसको कमांड कर सकते हैं। इसमें होता क्या है कि आपने एक बार फायर कर दिया, मान लो ये दुश्मन का यहाँ पे टैंक है और आपने एक बार फायर कर दिया तो अब वो उसी डायरेक्शन में जाता रहेगा, आप उसका डायरेक्शन नहीं बदल सकते। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि अगर दुश्मन का टैंक जो है उसने अपना जगह बदल लिया, वो मूव करके थोड़ा आगे चला गया, तो आपकी मिसाइल बर्बाद हो जाएगी। ये फर्स्ट जनरेशन का प्रॉब्लम है कि इसको एक बार हिट करने के बाद उसकी डायरेक्शन आप नहीं बदल सकते। उससे बेहतर होता है सेकंड जनरेशन। इसमें कैसा होता है, इट इज़ सेमी ऑटोमेटिक टाइप। सेकंड जनरेशन में आप एक बार हिट करने के बाद उसकी डायरेक्शंस को थोड़ा बहुत हवे में ही चेंज कर सकते हैं। यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द सेकंड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इन द एयर इटसेल्फ। उससे भी बेहतर होता है थर्ड जनरेशन का। थर्ड जनरेशन को हम लोग कहते हैं फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी मिसाइल। इसमें कैसा है कि आप चला दो बस उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे करके और उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं है, वो जाकर के टारगेट को हिट कर ही देगा। उसमें कैसे वो टारगेट को हिट करता है वो भी जरा समझो। मान लो दुश्मन का एक टैंक लगा हुआ है, वो टैंक से थोड़ी बहुत इंफ्रारेड रेडिएशंस आती रहती है, थोड़ी बहुत हीट के कारण और इंफ्रारेड रेडिएशंस आती रहती है, और ये जो मिसाइल है जिसको आपने हिट किया है वो उस इंफ्रारेड रेडिएशन को कैप्चर करते हुए, ट्रेस करते हुए धीरे धीरे दुश्मन के टैंक तक जा करके हिट करता है। अब अगर टैंक मूव भी करता है तो ये मिसाइल भी हवे में खुद ही मूव कर जाएगा और जाकर के दुश्मन के टैंक को हिट कर देगा। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं फायर एंड फॉरगेट। इसमें इंफ्रारेड रेडिएशन लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होती है ये इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रेस करते हुए जाकर के दुश्मन के टैंक को हिट करके ही आती है। इससे भी हायर लेवल का होता है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में कैसा है कि ये भी फायर एंड फॉरगेट है, ये भी लेजर टेक्नोलॉजी है, इंफ्रारेड रेडिएशन का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसमें वो
अंत अंत तक अपडेट भी भेजता रहता है, सिग्नल भी भेजता रहता है कि उसने एक्चुअल में दुश्मन के टैंक को हिट किया या नहीं किया। तो इसको हम लोग कहते हैं फायर फॉरगेट एंड अपडेट। तो वो अपना डायरेक्शन अंत अंत तक उसके सिग्नल भेजता रहता है, और एक बार जब वो दुश्मन के टैंक को हिट कर देता है तब भी एक फाइनल सिग्नल भेजता है कि टारगेट डिस्ट्रॉयड और नॉट डिस्ट्रॉयड। किसी भी कारण से हो सकता है कि टारगेट मिस कर जाए, तो वो भी वो सिग्नल भेज देता है कि टारगेट मिस्ड और टारगेट डिस्ट्रॉयड। तो ये है चार जनरेशन के गाइडेड मिसाइल सिस्टम। इंडिया के पास देखो अभी तक थर्ड जनरेशन का ही गाइडेड मिसाइल सिस्टम है, और वो भी अभी हम डेवलप कर रहे हैं। वी आर इन दिस फेज ऑफ डेवलपिंग दिस थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। और इसी से रिलेटेड ये न्यूज है कि हमने एक टेस्ट किया है थर्ड जनरेशन गाइडेड मिसाइल का, जो सक्सेसफुल हुआ है। इसराइल के पास फोर्थ जनरेशन का भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। अब इंडिया के पास किस किस तरह के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैं वो भी जरा देख लेते हैं। ये जो तीन हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये खुद इंडिया ने बिल्ड किया है। एंटी टैंक मिसाइल जो बिल्कुल पहला हमने डेवलप किया था, उसका नाम ही हमने बस रखा था एंटी टैंक मिसाइल। इसको DRDO ने बिल्ड किया। इसकी रेंज है लगभग 1.6 किलोमीटर। इसके अंदर हीट टेक्नोलॉजी है। फिर इससे थोड़ा और बेहतर हमने डेवलप किया सेकंड जनरेशन, जिसका नाम हमने रखा अमोक, और इसको बिल्ड किया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने। इसके रेंज भी ज़्यादा है, 2.8 किलोमीटर तक है। फिर इससे भी और हाइयर लेवल का हमने डेवलप कर रहे हैं, वो है नाग। नाग में कैसा है कि इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय DRDO बट इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ये थर्ड जनरेशन का है, मतलब फायर एंड फॉरगेट वाला है, और इसकी रेंज भी ज़्यादा है। और नाग का फ़ायदा कैसा है कि इसको हम लोग लैंड से भी चला सकते हैं और हवा से भी चला सकते हैं, एयर से भी चला सकते हैं। नाग को जिसको हम लोग लैंड वर्जन ऑफ नाग इज़ नोन एज नामिका, जबकि एयर वर्जन ऑफ नाग इज़ नोन एज हेलिना, हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग। और UAV से भी चला सकते हैं, अनमैन्ड एयर व्हीकल से भी चला सकते हैं। उसका नाम हमने रखा है इस नाग का संत। तो नाग हमारा सबसे डेवलप्ड, सबसे हायर लेवल का हमारा एंटी टैंक गाइड मिसाइल है इंडिया के पास, जो अभी हमने बिल्ड किया है। और इसी से रिलेटेड अभी हम लोग एक अभी हाल फिलहाल में हमने टेस्टिंग की है, जिसके कारण ये न्यूज़ आर्टिकल आया है कि एक और इसमें भी हायर लेवल का ज़्यादा रेंज वाली टेस्टिंग हमने की है, जो टेस्ट सक्सेसफुल हुआ है। लेकिन उसके अलावा इंडिया के पास स्पाइक मिसाइल भी है। हमने स्पाइक मिसाइल ख़रीदा है इजराइल से, और ये स्पाइक मिसाइल इस साल एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब लास्ट ईयर हमने बालाकोट में स्ट्राइक किया था, सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसके बाद इंडिया ने ये स्पाइक मिसाइल ख़रीदा, और ये फोर्थ जनरेशन वाला है, यानी कि फायर फॉरगेट एंड अपडेट। तो जब हमने बालाकोट में स्ट्राइक किया है, तब से पाकिस्तान के साथ हमारी हॉस्टिलिटी बढ़ गई है, और अब चाइना के साथ भी हमारी काफ़ी हॉस्टिलिटी बढ़ गई है बॉर्डर पे। और इस कारण से स्पाइक मिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर कोई भी थ्रेट आता है बॉर्डर एरिया से, तो उस केस में हमारे पास ये स्पाइक मिसाइल है, जो हमें एयर डिफेंस या किसी भी टैंक से बचाएगा। इट इज़ फोर्थ जनरेशन मिसाइल, बट अंतर यह है कि ये जो बाकी तीन है ये इंडिया ने खुद बनाए हैं, जबकि ये स्पाइक मिसाइल हमने इजराइल से प्रोक्योर किया है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम आसाम सेगमेंट। इट इज़ अबाउट बोहाग बिहू टू बिकम यूनेस्को's इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस, पेपर 6, आसाम कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखो न्यूज़ क्या है, पहले मैं वो बता दूँ। बोहाग बिहू असम का सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है ऑफ़ कोर्स। इसको अब यूनेस्को ने इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में डालने के बारे में वो सोच रहा है। अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है, इट इज़ नॉट बीन फाइनलाइज्ड। देखो कैसा होता है कि तीन इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, एक है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, दूसरी है IUCN, और तीसरी है इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्टडी ऑफ प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। ये तीन इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं। यूनेस्को को ये तीनों एजेंसीज मिल करके रिकमेंड करती हैं कि इस पर्टिकुलर साइट को कल्चरल हेरिटेज साइट बना दिया जाए, या इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को कल्चरल इनटैंजिबल हेरिटेज बना दिया जाए। तो इन तीनों के रिकमेंडेशन के बाद ही यूनेस्को किसी भी हेरिटेज को एक्सेप्ट करता है। न्यूज बस ये है कि इन तीनों में से जो एक एजेंसी है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, इसने यूनेस्को को रिकमेंड किया है कि बोहाग बिहू को इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज की तरह इंक्लूड कर लिया जाए। देखो आपने कई दफ़ा पढ़ रखा होगा कि यूनेस्को का ये कल्चरल हेरिटेज साइट है, दिल्ली का लाल किला, तो रानी की वाव इन गुजरात, इस तरीके से आप पढ़ चुके होंगे कि अलग अलग जो साइट्स होते हैं, कंचनजंगा, इन लोगों को कल्चरल साइट्स बना रखा है, लेकिन वो यूनेस्को के टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स में आते हैं। मतलब वो जगह जिसको आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सब होते हैं टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज।
ठीक है, जो बिल्डिंग्स होते हैं या कोई मान लो जैसे आप काजीरंगा ही है, यूनेस्को नेचुरल हेरिटेज साइट है, तो वो टेंजिबल पार्ट का है। तो मैं ब्रीफली आपको समझा दूं कि हेरिटेज मतलब हमारी सभ्यता संस्कृति का हिस्सा, वो दो तरीके से हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल जिसको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं। टेंजिबल में भी दो टाइप होता है, नेचुरल एंड कल्चरल। फॉर एग्जांपल काजीरंगा नेचुरल है, लाल किला कल्चरल है, तो इस तरीके से टेंजिबल हो गया जिसको हम देख समझ सकते हैं। एक होता है इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जिसको बस हम फील कर सकते हैं, इट इज़ अ मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आवर कल्चर आवर ट्रेडिशन, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेजेस को भी आइडेंटिफाई करना शुरू किया यूनेस्को ने 2003 से। इसका पर्पस था कि वो सारे एक्सप्रेशंस, वो सारे फीलिंग्स जो हमारे कल्चर का हिस्सा हैं, इनटेंजिबल कल्चर का हिस्सा हैं, उनको प्रिजर्व करके रखा जाए, प्रमोट किया जाए। जैसे आप देख सकते हैं बोहाग बिहू, वो हमारे इनटेंजिबल कल्चर का हिस्सा है, उसको हम देख तो नहीं सकते, उसको हम टच तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम फील जरूर कर सकते हैं कि हाउ इट रिप्रेजेंट्स आवर कल्चर, इट मेक्स अस फील गुड अबाउट दिस, बट वी कैन नॉट सी कि हाँ ये कोई चीज़ है बोहाग बिहू, बट इट इज़ एन इनटेंजिबल थिंग। और इसको प्रोटेक्ट करना, इसको प्रमोट करना, इस तरह की सारी इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज को प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना ही काम है इस यूनेस्को का, अंडर यूनेस्को इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो एक बार उसको यूनेस्को इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो फिर यूनेस्को उसको प्रोटेक्ट करने की और प्रमोट करने की कोशिश करता है। अब बिहू के बारे में थोड़ी और फैक्चुअल चीज़ें मैंने दे रखी हैं, एपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, बट आई नो कि आप लोग मुझसे ज़्यादा बिहू के बारे में जानते हैं, बट स्टिल आई ट्राइड टू कलेक्ट सम इन्फॉर्मेशन। सो देखते हैं बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है, 3 बिहू सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ आसाम। बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू सेलिब्रेटेड फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ सोट एंड द सेलिब्रेशन कंटिन्यूज फॉर द अपकमिंग 7 डेज ऑफ बोहाग, दैट इज इन अप्रैल। काटी बिहू इज सेलिब्रेटेड ऑन द संक्रांति ऑफ आहीन काटी, दैट इज अक्टूबर। एज दिस बिहू इज सेलिब्रेटेड अमिस्ट क्राइसिस, द बिहू इज ऑल्सो कोल्ड एज कोंगाली बिहू। यहाँ पे तुलसी प्लांट की पूजा की जाती है काटी बिहू में। तीसरा होता है माघ बिहू, माघ बिहू इज सेलिब्रेटेड जस्ट आफ्टर हार्वेस्टिंग सीजन एंड हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज भोगाली बिहू। अब बोहाग बिहू के बारे में जरा सा और समझ लेते हैं। बोहाग बिहू 7 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें पहले दिन होता है गोरु बिहू जिसमें गाय की पूजा होती है, फिर होता है मनु बिहू वेयर पीपल टेक्स ब्लेसिंग फ्रॉम देयर एल्डर्स, देन होता है गोसाई बिहू वेयर पीपल ऑफर प्रेयर इन द नामघर एंड टेक पार्ट इन द नाम प्रसंग, देन सेनेही बिहू वेयर एसएमईज वीवर वॉश एंड क्लीन देयर हैंडलूम्स, देन नंगोल बिहू वेयर फार्मर क्लीन्स देयर एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स एंड प्रिपेयर इट फॉर अपकमिंग एक्टिविटीज, देन मेला बिहू वेयर पीपल विजिट ईच अदर्स हाउस एंड हैव जलपान, वाइल सेरा बिहू वेयर पीपल रैप गमोसा एंड ऑन अ बनियान ट्री टू बिड गुड बाय टू बोहाग बिहू। तो ये 7 दिनों तक ये बोहाग बिहू का सेलिब्रेशन होता है, और न्यूज़ ये है कि इस बोहाग बिहू को अब इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की तरह रखा या डिक्लेयर किया जा सकता है। अभी तक इंडिया के तरफ से, इंडिया से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, उसकी लिस्ट हमने यहाँ दे रखी है। कोडियट्टम दैट इज अ संस्कृत थिएटर फ्रॉम केरला, मुडियट दैट इज अगेन अ थिएटर फ्रॉम केरला, वैदिक चैंटिंग, काली बेला विच इज अ फोक सॉन्ग एंड डांस ऑफ राजस्थान, रामलीला, संकीर्तन सिंगिंग, रमन, ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट यूटेंसिल, छाऊ डांस, बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, ये सारे याद रखो या ना रखो, कम से कम लास्ट 2 जरूर याद रखना क्योंकि वो करंट न्यूज़ में थे। योगा को और कुंभ मेला को यूनेस्को के इनटेंजिबल हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है, ये न्यूज़ में थे करंट टाइम्स में, इसलिए योगा और कुंभ मेला आ सकता है। और न्यूज़ ये है कि बोहाग बिहू को भी इंक्लूड करने की रिकमेंडेशन दी गई है। द नेक्स्ट टॉपिक इज टेकन फ्रॉम अगेन आसाम सेगमेंट, इट इज अबाउट स्कीम्स ऑफ आसाम गवर्नमेंट। आज हम लोग 2 स्कीम के बारे में पढ़ेंगे, स्वयं एंड अरुंधति गोल्ड स्कीम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 आसाम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो अरुंधति स्कीम, दिस स्कीम इज नेम्ड आफ्टर अरुंधति, वाइफ ऑफ ग्रेट सेज वशिष्ठ। इस स्कीम के अंदर कैसा होगा कि आसाम सरकार 1 तोला गोल्ड देगी न्यूली वेडेड ब्राइड को,
वैसे सारी कम्युनिटीज़ के लोगों को जहाँ पे कस्टम है ब्राइड को आफ्टर मैरिज गोल्ड गिफ्ट में देना, तो कई सारे गरीब लोग हैं उनके यहाँ कस्टम तो है कि न्यूली मैरिड ब्राइड को गिफ्ट देना होता है सोने का, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि सोने का वो गिफ्ट दे पाए। तो उन सारे कम्युनिटी के लोगों को अब असम सरकार एक तोला गोल्ड देगी अंडर अरुंधति स्कीम। लेकिन इसमें लिमिट क्या है कि वो सारे फैमिली जिसके लिए एलिजिबल हैं जिनकी अर्निंग 5 लाख से कम है, और इसके लिए असम सरकार ने अलग से 500 करोड़ का बजट अलॉट किया हुआ है। दूसरा स्कीम है स्वयं इज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, जिसमें असम के यूथ को कुछ एक फाइनेंशियल ग्रांट दे रही है असम सरकार ताकि वो अपने लिए कोई नया रोजगार डेवलप कर सके। स्वयं स्कीम को 2019 में इंप्लीमेंट किया गया था और उसको वापस से रीडिजाइन किया गया है, रीडेवलप किया गया, इसलिए इसका नाम अब है रीडिजाइन स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट योजना। इसके अंतर्गत 50,000 रुपये दिए जाएंगे लगभग 2 लाख यूथ को असम के अंदर ताकि वो अपने लिए नया बिजनेस स्टार्ट कर सकें। इन आर सेगमेंट मोस्ट प्रोबेबल पीटी टॉपिक्स फॉर अपकमिंग एपीएससी प्रीलिम्स, टुडे विल कवर टॉपिक नंबर 43 to 45। टॉपिक नंबर 43 इज असम दर्शन स्कीम। इस स्कीम का पर्पस है टू प्रमोट टूरिज्म इन असम एंड विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपुलराइजिंग कल्चर एंड नेचुरल प्लेसेज इन असम। इसके 4 कॉम्पोनेंट है, एन्यूटी ग्रांट टू देवालिया, तो हर साल 2 लाख रुपये का ग्रांट दिया जाएगा देवालिया को, देवालिया जो भी असम के अंदर है ताकि वो अपने आप को मेंटेन कर सके। दूसरा, इंप्रूविंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल एंड हिस्टोरिकल प्लेसेज, इसके लिए 1 टाइम ग्रांट दिया जाएगा 50 लाख रुपये का। उसके अलावा 800 रिलीजियस प्लेसेज विल बी गिवन ₹10 लाख टू इंप्रूव की इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक टॉयलेट, गार्बेज डिस्पोजल, ETC। फोर्थ, इंप्रूव कनेक्टिविटी, सो रोड विल बी बिल्ट टू द इंपॉर्टेंट रिलीजियस हिस्टोरिकल एंड नेचुरल प्लेसेज। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 43। टॉपिक नंबर 44 इज अबाउट डिजिटल मार्केटर ऑफ द ईयर अवार्ड। सो गुवाहाटी के रहने वाले कपिल जैन को इस साल का डिजिटल मार्केटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया इन द वर्ल्ड डिजिटल मार्केटिंग कांग्रेस 2020 दैट वॉज हेल्ड इन मुंबई। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 44। टॉपिक नंबर 45 इज स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी अवार्ड। जादव पाइंग फ्रॉम असम हैज़ बीन गिवन स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी अवार्ड ऑफ 2020। जादव पाइंग के बारे में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। ही इज ऑल्सो नोन एज फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया एंड ही अर्न दिस नेम बिकॉज ही स्पेंट 30 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ प्लांटिंग ट्रीज, क्रिएटिंग रियल मैन मेड फॉरेस्ट ऑफ अबाउट 550 हेक्टेयर्स। ये जो मोलाई कथोनी फॉरेस्ट है मजूली पे, वो मुलाई रिजर्व फॉरेस्ट का हिस्सा है और इसका बहुत सारा एरिया खराब हो गया था, बर्बाद हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, और इसको फिर जादव पाइंग ने अकेले मेहनत कर करके इसका कम से कम 550 हेक्टेयर एरिया को वापस से रिवाइव किया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 45। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 40 to 42 दैट वी आर गिवन इन यस्टरडेज न्यूज पेपर एनालिसिस। टुडेज क्वेश्चन कैन बी अटेम्प्टेड बाय स्टूडेंट्स एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। वी विल बी शेयरिंग आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन इन टुमारोज न्यूज पेपर एनालिसिस। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन था, ऑल राइनोज इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट इंडियन राइनो हैव 2 हॉर्न्स, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जावन राइनो का भी 2 हॉर्न होता है, कल हमने देखा था। दूसरा, ऑल राइनोज इन द वर्ल्ड आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड बट इंडियन राइनो इज वल्नरेबल, ये भी गलत है क्योंकि अफ्रीका का जो व्हाइट राइनो होता है दैट इज नॉट क्रिटिकली इंडेंजर्ड, दैट इज जस्ट नियर थ्रेटेंड। सो दोनों स्टेटमेंट गलत है, करेक्ट आंसर विल बी डी। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन था अबाउट गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इसका मैंने आपके साथ डायग्राम भी शेयर किया था, तो इसके हिसाब से करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ईरान। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।